हेलो दोस्तों नमस्कार, आज मेरे पास एक नई बाइक आई है इलेक्ट्रा, एंड इसके अंदर एक प्रॉब्लम आ रखी है कि ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो मैं नहीं जानता इसके अंदर क्या हुआ होगा, तो आइए आज जो अपना खुद का एक्सपीरियंस है आपके साथ शेयर करता हूँ और देखते हैं कि इसके अंदर सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है। तो यहाँ मैं चाबी ऑन करता हूँ, इग्निशन ऑन है एंड सेल्फ नहीं ले रही। तो यहाँ एक भाई की या फ्रेंड की मदद लेता हूँ और मैं दोनों हाथों का उपयोग करते हुए देखता हूँ क्या दिक्कत है। तो यहाँ मैं क्लच दबा के देखता हूँ, नहीं हो रही है। तो बेसिकली किन किन चीज़ों से प्रॉब्लम आती है ये, तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका हॉर्न बज रहा है नहीं बज रहा है। आप देख सकते हैं हॉर्न बज रहा है, इंडिकेटर जल रहे हैं, क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे पहले मैं यहाँ की वायर चेक कर लेता हूँ कि कोई वायर तो ख़राब नहीं है। बैटरी खोल के देख लेता हूँ, बैटरी के अंदर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ इसकी वायर ठीक है, यहाँ देखिए नज़दीक अंदर से, यहाँ पे भी सारे इसके कपलर जो हैं सब लगे पड़े हैं, तो मेरे को नहीं लगता यहाँ से कोई प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ से मेरे को सब ठीक नज़र आ रहा है। अब देखते हैं थोड़ा आगे की साइड में, थोड़ा एक दो फंक्शन आगे से भी दे रखे हैं कि क्या दिक्कत हो सकती है। तो मैं इसकी हेडलाइट खोल के देखना चाहता हूँ, हेडलाइट खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। अंदर हेडलाइट के अंदर से कोई वायर या इसका कोई कपड़ा निकला तो नहीं है। यहाँ नज़दीक से देखते हैं, ये इसका कपलर जो है सेल्फ से रिलेटेड है। जब हमारी गाड़ी गियर में होती है तो हम क्लच दबा के स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो यही कपलर मैं ऊपर की साइड देखता हूँ, तो यहाँ पर तो आप यहाँ देखेंगे कि ये कपलर जो है देखिए काफी बाहर को निकल रखा है। इसको नीचे साइड से भी देखिए, यहाँ से दिख नहीं पा रहा है सही, मैं यहीं से दिखाता हूँ। ये कपलर जो है पूरा बैठा नहीं है, तो मैं इस कपलर को अंदर बिठा देता हूँ। देखिए बैठ चुका है अंदर, क्लिप लॉक लग गया है। अब मैं गाड़ी की चाबी लगाता हूँ, ये चाबी ऑन हो गई। अब देखता हूँ, आई होप गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। मेरे को लगता है यहीं से प्रॉब्लम थी। वाह, तो गाड़ी स्टार्ट हो गई है, देखा आपने। मैं दोबारा से ट्राई करके देखता हूँ, देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया, और ये चीज़ आप भी देख सकते हैं कि यहाँ से कभी कभी हमारी गाड़ी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें मतलब हम खुद भी चेक कर सकते हैं कि ये कपलर निकला तो नहीं है, या कहीं बैटरी के पास यहाँ से कोई कपलर निकला तो नहीं है। हो जाता है कई बार, कोई शरारत कर देता है, कपलर निकाल देता है, खींच देता है वायरिंग, तो ये दिक्कत आ जाती है। तो फिलहाल इसमें ये सेल्फ स्टार्ट प्रॉब्लम दूर हो चुकी है, तो यदि दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाइए, और यदि कोई आपको परेशानी या कोई सुझाव चाहिए तो मेरे को नीचे मैसेज कर सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।